हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति चौधरी एंड यू आर वाचिंग ऑल नॉलेज प्रोग्राम। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेली लाइफ के कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स के बारे में जो आपकी इंग्लिश वोकैब को इम्प्रूव करने में, स्मार्ट बनाने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज भारत की जय हो या भारत माता की जय हो। तो भारत की जय हो, आप इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हेल इंडिया, हेल हिंदुस्तान, हेल भारत। आप इसको इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं, भारत की जय हो, हेल इंडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज गोलगप्पे या पानी पूरी। फ्रेंड्स, आप जब भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में गोलगप्पे खाने जाते होंगे तो आप भी हमेशा औरों की तरह ही गोलगप्पे या पानी पूरी इसको बोलते होंगे। तो कोई जनरल जो वर्ड है वही आप सबके सामने यूज़ कर रहे हैं, जैसा सब लोग बोल रहे हैं, तो कोई खास इंप्रेशन आपका सबके सामने बनने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में बोलें तो आपका इंप्रेशन बहुत ही स्मार्ट बन जाएगा, दूसरों के सामने बहुत पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप गोलगप्पे को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? गोलगप्पे को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वाटर बॉल्स, गोलगप्पे वाटर बॉल्स। और अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं मुझे गोलगप्पे पसंद हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई लाइक वाटर बॉल्स। यू कैन से इट इन इंग्लिश, आई लाइक वाटर बॉल्स, मुझे गोलगप्पे पसंद हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज भगवान ना करे। बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं भगवान ना करे। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं गॉड फॉरबिड। यू कैन से इट इन इंग्लिश गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे गॉड फॉरबिड। और अगर आप बोलना चाहते हैं भगवान उसके साथ कुछ गलत ना करे, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश गॉड फॉरबिड समथिंग रॉन्ग विद हिम। यू कैन से इट इन इंग्लिश गॉड फॉरबिड समथिंग रॉन्ग विद हिम, भगवान उसके साथ कुछ गलत ना करे। नाउ द नेक्स्ट वन इज भगवान ने चाहा तो। बहुत ही कॉमन वर्ड है, भगवान ने चाहा तो। यू कैन से इट इन इंग्लिश गॉड विलिंग। यू कैन से गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो गॉड विलिंग। अगर आप बोलना चाहते हैं भगवान ने चाहा तो हम कल वहाँ होंगे, यू कैन से इट इन इंग्लिश वी विल बी देयर टुमारो गॉड विलिंग। भगवान ने चाहा तो हम कल वहाँ होंगे, यू कैन से इट इन इंग्लिश We will be there tomorrow, God willing. Now the next one is मन की शांति मिलना। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं get peace of mind। अगर आप बोलना चाहते हैं ध्यान लगाने से मुझे मन की शांति मिलती है, then you can say it in English I get peace of mind from meditation. You can say it in English I get peace of mind from meditation. Now the next one is नींबू पानी। नींबू पानी को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? बहुत ही कॉमन वर्ड है, गर्मियों का मौसम है और नींबू पानी वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लेमन एड। यू कैन से इट इन इंग्लिश लेमन एड, नींबू पानी लेमन एड। तो अगर आप किसी से कहना चाहते हैं नींबू पानी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश Lemonade is good for your health. You can say it in English. Lemonade is good for your health. नींबू पानी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जितनी वीडियोस ऑल नॉलेज गिवर की तरफ से अपलोड होंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। अगर आपको कोई सजेशन सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करें।